गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसा है बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास एग्जामिनेशन के बारे में। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा AIBE एग्जामिनेशन के बारे में। जितने भी लॉ एस्पिरेंट है जिनको 12th के बाद लॉ करनी है या फिर LLB में आप बच्चे लोग एडमिशन ले चुके हो, आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन देना कंपल्सरी है LLB के बाद अगर आपको एज अ एडवोकेट एज अ लॉयर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है। तो क्या है इस एग्जामिनेशन में इतना खास, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन की, कैसे ये एग्जामिनेशन दिया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा आइए चलते बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 11th और 12th में हैं जिनको लॉ करनी है, या फिर कई LLB के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, कोई 5 साल का LLB कर रहा है, कोई 3 साल का LLB कर रहा है, तो उनको बेसिक लेवल से इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। फुल फॉर्म से स्टार्ट करूंगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE की फुल फॉर्म है। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है और इस एग्जामिनेशन का नाम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सिंपल हो रहा है। देखिए एग्जाम की फ्रीक्वेंसी, ये साल में 2 बार होने वाला एग्जामिनेशन है। साल में ये एग्जामिनेशन आपका 2 बार कंडक्ट होता है। और एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लेती क्यों है, पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू क्वालिफाइड स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट। मतलब अगर आप ये एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, मिनिमम 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे इस एग्जामिनेशन में। अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपको एक अवार्ड मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके मिलने के बाद ही आप इंडिया में एज एडवोकेट एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना इसके, बिना क्वालिफाई करे हुए AIBE एग्जामिनेशन आप इंडिया में प्रैक्टिस एज अ लॉयर एज एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी है एज सून एज यू हैव कंप्लीटेड योर LLB। चाहे आप 5 साल की करें या फिर 3 साल की करें, आपको AIBE एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी है। मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। सिंपल हो रहा है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करूं। देखिए ये एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है, प्लस 3-4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करने भी जरूरी है। पहला क्या है, आपकी LLB कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे वो 3 साल की हो या फिर वो 5 साल की हो। नेक्स्ट है, आप एज अ एनरोल्ड मेंबर होने चाहिए, मतलब एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन स्टेट बार काउंसिल। आपको अपने जिस भी शहर के, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट बार काउंसिल में एज अ एडवोकेट आपको एनरोल्ड होना जरूरी है इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने से पहले। और कोई अपर एज लिमिट या लोअर एज लिमिट नहीं है। तो अगर आपको काफी टाइम हो गया है LLB करे, या फिर रिसेंट में ही आपने LLB करा है, आपकी एज कुछ भी हो, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं स्टेट बार काउंसिल में। LLB हो गई है आपकी और आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। 2010 के बाद अगर आपने LLB करा है तो AIBE एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। सिंपल हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन मोड यहां पर होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब पेन पेपर बेस्ड यहां पर टेस्ट होता है, और हम इसको बोलते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। AIBE एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है और ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। इसका मतलब है कि आपके पास एक लग्जरी होती है, मतलब आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आप अपने नोट्स कैरी कर सकते हैं, आप जो भी बुक चाहें उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो कैरी कर सकते हैं, मतलब स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन में आप कैरी कर सकते हैं। तो सर ये तो बहुत एग्जामिनेशन बहुत इजी हो गया, अब तो हमें बुक खोलनी और लिख लेना है। नहीं, इतना इजी नहीं होता है। मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो बुक्स में नहीं होते हैं, सिर्फ आपको बुक आइडिया लगाने के लिए आप खोल सकते हैं। पेपर ही ऐसा बनाया जाता है कि उसमें सारी चीजें एग्जैक्टली आपको नहीं मिलती है, आपको सोचना पड़ता है, पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से हो सकता है, किस टॉपिक में से हो सकता है। तो आप सर्च करने के लिए, फाइंडिंग के लिए अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के स्टडी बेस्ड आते हैं, तो दिमाग तो भैया खुद का ही लगाना पड़ता है, राइट? एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 3 घंटे और 30 मिनट आपको मिलते हैं।
सब्जेक्ट की बात करें तो 19 लॉ सब्जेक्ट में से ये आपका पूरा पेपर बनता है, राइट। अब वो लॉ के सब्जेक्ट कौन से हैं? वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपने अपने एलएलबी में कंप्लीट करे हैं, जिसमें आपके क्रिमिनल लॉ आ गया, फैमिली लॉ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया, एनवायरमेंटल लॉ आ गया, राइट, इंटेलेक्चुअल ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब सारे के जितने भी आपने मेजर मेजर सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं अपने एलएलबी के समय, उनका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का 19 लॉ सब्जेक्ट बना रखें, उनमें से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अपनी एलएलबी ब्रशअप अच्छे से करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आगे बात करें टोटल क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और टाइप रहता है एमसीक्यू, मतलब ऑप्शन वाले, चार में से एक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आते हैं, एक पैसेज आएगा उसमें से ही आपको पढ़ना पड़ेगा और एक क्वेश्चन आएगा उसके नीचे, चार ऑप्शन होंगे, वो टिक करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। आगे बात करें तो मार्किंग स्कीम की, हर राइट आंसर के एक मार्क्स आपको मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, हर राइट आंसर का प्लस वन आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? पासिंग मार्क्स की बात करूं, जैसे मैं शुरुआत में ही क्लियर कर चुका हूं, 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इतना तो आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते, साल में दो बार होता है, वापस आप अप्लाई कर सकते हैं, वापस इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बुक्स की बात कर लें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सबसे पहला लिंक, वो आपको क्लिक करना है, वहां पर मैं लिस्ट कर दूंगा जो भी AIB एग्जामिनेशन की बेस्ट बुक होगी, जिसके थ्रू आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। प्लीज लिंक चेक करना मत भूलिएगा, चाहे तो आप वहीं से परचेज कर सकते हैं, Amazon का लिंक होगा वो, नहीं तो आप बुक का नाम नोट करके अपना जो ऑफलाइन मार्केट है आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, राइट। चलिए तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये एग्जामिनेशन क्या है, जरूरी क्यों है, कैसा पेपर का पैटर्न रहता है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, एलिजिबिलिटी क्या है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि जितना हो सके सिंपल रखूं, सिंपल भाषा में कन्वे कर सकूं, जितना मैं जानता हूं उतना आप तक पहुंचा सकूं, राइट। तो मेरी एफर्ट अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा इस वीडियो को, और आपके सुझाव जो है, फीडबैक जो है इस वीडियो से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहते हैं, किस टॉपिक का चाहते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा, ईगरली वेट करूंगा आपके कमेंट का, पढ़ने का कि आप क्या कमेंट करेंगे, राइट। चलिए दो चीजें आपको बतानी है, वीडियो कैसा लगा, कुछ फीडबैक है, कोई एनालिसिस है कि सर आप सही पढ़ाते हैं, समझ में आता है, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का चाहिए, आप जो भी रामकथा लिखना चाहें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं जरूर हर कमेंट को रिव्यू करता हूं, पढ़ता हूं, राइट। चलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मैं एक्टिव रहता हूं, स्पेशली इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, जहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहता हूं कैरियर और एजुकेशन से रिलेटेड, आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।